आराम से भैया, आराम से, आराम से देख सर चलो। कितने पैसेंजर ये एक समय में बैठ सकते हैं यहाँ पे? ये टोटल 4000 स्क्वायर मीटर का है, 40000 स्क्वायर फीट का है, पर केवल पहला फेज। अरे भाई साहब, 6000 स्क्वायर, 7000 स्क्वायर पर फेज वन। पर फेज टू हमारा 5,00,000 जो वर्तमान में हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स उसी साइज का है। पहले ऊपर से शुरू करो। फिर आपका पूरा जमीन है सर, जिन्होंने आपका 800 एकड़ जमीन भैया पीछे कर दे, सुनो थोड़ा पीछे कर लो। यहाँ से यहाँ तक 2,200 मीटर का बन गया है। सेकेंड फेज में सर इसको 3,700 मीटर के जमीन तक लेके जाएंगे, 3,750। सर ये अभी हम कैबिनेट में अप्रूवल के लिए ले जाएंगे इसको, तो जैसे अप्रूवल है तो दिन टू ईयर रूल कर इसमें जो ऐसे मेरे जो जमीन अभी हमसे बिकी हुई है इससे भी थोड़ी हालत खराब समस्या है। नहीं आप लोग भी और गैस का तो बहुत बहुत 19 एकड़ पर है ये यहाँ इधर का है, ठीक है। सो मिल जाएगा तो सर ये जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग है ये यहाँ भी मेन टर्मिनल बिल्डिंग मिलेगी सर यहाँ बनेगी, 6 नंबर मेन टर्मिनल बिल्डिंग मिलेगी। सर हाँ बनेगी, 50,000 स्क्वायर मीटर की बनेगी, फिर बाद में एक्सपेंड कर सकती है। 7 नंबर पे है पहले ये फेज वन है, फेज टू में आप 7 नंबर बनाएंगे तो बिल्कुल इसके कोने पे हो जाएगा, और फेज थ्री में आप 8 नंबर बनाएंगे तो फिर बन जाएगा। सबको जोड़ देंगे फिर आपस में जुड़े, फिर आपस में जुड़े रहेंगे। इसको सर किसी और काम के लिए यूज करेंगे, कार्गो या कुछ जो प्रेजेंट बिल्डिंग है किसी और काम के लिए, ये दोनों जुड़ जाएंगे सर। और अभी और फिर इसको भी ये भी कर सकते हैं, एक अराइवल कर सकते हैं, एक डिपार्चर कर सकते हैं, जब संख्या बन जाएगी, या एक इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक कर लेंगे। अभी सर 8 अप्रैल बन गए सर।
ऐसे मधुबनी की पेंटिंग बहुत शानदार लोग करते हैं। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छी जो इस प्रकार की पेंटिंग होती है उसको देंगे तो लंबे समय तक टिकाऊ भी होता है और उसमें लोगों का प्रभाव दर्शन है। हमें यहाँ बैठना है।